राजधानी दिल्ली में हवा की क्वालिटी में कुछ सुधार देखने को जरूर मिला है, लेकिन सुधार के बाद भी दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। आज सुबह दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सुबह सड़कों पर जहरीली धुंध छाई रही, लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक सुबह AQI 253 दर्ज किया गया। बताया गया कि अगले 3 दिनों तक पराली का धुआं दिल्ली NCR की मुश्किल बढ़ा सकता है। ऐसे में AQI के 300 पार जाने की आशंका है। असल में 0 से 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, जबकि 201 से 300 को खराब श्रेणी में रखा जाता है और 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के पारंपरिक लोकगीतों और वहां के वाद्य यंत्रों की। वहां के वाद्य यंत्रों में दमाऊं का खास महत्व है। ये दमाऊं नगाड़े जैसा दिखता है, इसे पूरे उत्तराखंड में बजाया जाता है, चाहे फिर वो लोक संगीत हो या फिर देवी देवताओं की आराधना। आज हम आपको उत्तराखंड के सबसे बड़े दमाऊं के बारे में बता रहे हैं, जिसका वजन 1 क्विंटल है। ये दमाऊं पिथौरागढ़ जिले के एक गांव में रखा हुआ है। अपने वजन की वजह से इसे कई लोग मिलकर उठाकर बजाते हैं, हालांकि कुछ लोग इसे अकेले बजाने का भी हुनर रखते हैं। तो आपको बता दें कि ये लोक वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का, जो नगाड़े जैसा दिखता है और जो भी परंपराएं होती हैं, चाहे वो सामाजिक परंपराएं हों या फिर धार्मिक विधि विधान हों, उनमें दमाऊं का प्रयोग किया जाता है। और इस समय एक दमाऊं जो सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, उसे सबसे बड़ा दमाऊं कहा जा रहा है। 1 क्विंटल उसका वजन है। कई लोग मिलकर इसे बजाते हैं, लेकिन कई लोग मिलकर बजाने के अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकेले इसको बजाने की महारत हासिल रखते हैं। केरल में दक्षिणी जिलों के लिए पहली अग्निपथ सेना भर्ती रैली की शुरुआत हो चुकी है। वहां के कोल्लम जिले में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में भर्ती रैली का आयोजन किया गया। यह भर्ती रैली 24 नवंबर को खत्म होगी, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम और इडुक्की समेत कई जिलों के युवा शामिल होंगे। बताया गया है कि सेना में भर्ती होने के लिए वहां 25,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पहले दिन 2,000 से ज्यादा प्रतिभागी वहां पहुंचे, जिनका फिजिकल टेस्ट हुआ। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच की जाएगी। नहीं, मुझे आगे जाना है।